दिन सकते हैं। इन्वेस्ट करके पानी गिर जाता हम सारा डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। वापस मिलने के लिए टाइम आना पड़ेगा, डाटा पूरा निकल जाएगा। मुझे फोन है, फोन नहीं है, कैमरा नहीं लगा, फोन में यूज़ करना। यह है सात ताल है उत्तराखंड नैनीताल के नजदीक, भीमताल के नजदीक। और हम लोग जा रहे हैं जंगल में कैंपिंग के लिए, घनघोर जंगल है। मैं बहुत डर रही हूँ, एक्साइटेड नहीं हूँ, डर से मेरा हालत खराब है। बोनी का मुंह देखिए, डर के मारे। और हम तो अपना मुंह दिखा भी नहीं सकते, इतना डर रहे। भैया एक बार यहाँ से देख लो, हम लोग हैं सात ताल के पास एक जंगल कैंप में, और ये बहुत ही सुंदर सी सुहानी सी जगह है। और ये बोनी, चारों ओर जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ ये कैंपिंग ग्राउंड है छोटा सा। और यहाँ पर जो सबसे विचित्र बात है, यहाँ पे बिजली तक नहीं पहुँची है, और यहाँ पर रात में लालटेन ही इस्तेमाल किया जाता है कैंप्स में। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहीं जंगल के बीच में कैंप्स में रहते हैं। और अभी तो सर्द मौसम भी है, December 31, 2018 का समय है, और यहाँ का टेम्परेचर रात में लगभग 0 डिग्री पहुँच जाता है। अभी मौसम थोड़ा सुहावना है, धूप खिली खिली सी है, लेकिन रात होते होते यहाँ पर घना अंधेरा छा जाता है और सिर्फ लालटेन की रोशनी होती है। और ये हमारा टेंट है जहाँ पर बोनी खड़ी है, हमारे दो टेंट हैं। टेंट के अंदर का दृश्य भी दिखाती हूँ मैं। डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन एडवेंचर का अपना अलग मज़ा है। बच्चों ने और पतिदेव ने भी इस जगह की बड़ी तारीफ की। यहाँ के जो ओनर हैं वो हमारे हस्बैंड के फ्रेंड है, और ये हम लोगों ने टेंट लिया है। इसमें 3 बिस्तर लगे हुए हैं। यहाँ पर एक टेबल है जिस पर हमने अपने जैकेट्स रख दिए हैं, और ये कैनवस का टेंट ही है जिसका दरवाज़ा ये जिपिंग से बंद होता है, जिप लगा कर बंद होता है। और चारों ओर खूंटे लगे हुए हैं इस तरह के। लगभग यहाँ पर 15-20 टेंट हैं, लेकिन ऐसा संयोग है कि इस वक्त इस पूरे जंगल कैंप में सिर्फ हमारा ही परिवार टूरिस्ट है। हम चार और यहाँ के 3-4 स्टाफ जो कि पूरी रात यहाँ गुजारेंगे आज और शायद कल भी, अगर आज रात हिम्मत रह गई तो कल भी। ये देखिए चारों ओर घने जंगल पहाड़, और कहीं कोई रोशनी नहीं। रात में आग जलेगी और लालटेन जलेगा, खाना भी यहाँ के स्टाफ आग पर पकाएंगे और सर्व करेंगे। ये एक खुली सी जगह है, ये ग्राउंड में से नज़दीक करके दिखाती हूँ। अभी यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन पता नहीं रात को किन की आवाज़ें आएंगी। मैं अभी से बहुत भयभीत हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोमांच भी है। ये देखिए चारों तरफ पक्षियों के कलरव गूंज रहे हैं, हर तरफ बहुत ही नेचर के करीब प्राकृतिक सुंदरता। लोग तरसते हैं इस तरह के आउटिंग के लिए, और ये हमें मौका मिला है इस न्यू ईयर पे, न्यू ईयर की रात यहाँ गुजारने को। 2018 से 2019 में प्रवेश करने पर हम इस स्थान पर रहेंगे जो कि गेट अवे जंगल कैंप के नाम से जाना जाता है। और गौरी शंकर राणा जी यहाँ के ओनर हैं, जो मेरे पति के स्कूल के फ्रेंड हैं, और उन्होंने ये बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। और ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक रहने के लिए यहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी नहीं की गई है, ताकि असली जंगल कैंपिंग का आनंद उठाया जा सके। और इस आनंद में डर भी शामिल है, इसमें कोई शक नहीं।
मेरे बच्चे बहुत उत्साहित हैं। मेरा बेटा जो कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में बहुत रुचि रखता है, उसने यही कोर्स किया है और फिल्म्स बनाता है, उसके लिए तो ये जगह स्वर्ग सी है। बेटी भी इसी कोर्स में है, इसलिए उसे भी बहुत ही आनंद आता है। और मेरे पति जो कि यहाँ पर स्वयं साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं, वो यहाँ पर पूजा भी करेंगे और हम पूजा करते हुए अगले साल में प्रवेश करेंगे। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। दाल राइस सैलेड।
near Sattal, this is our jungle camp, which has no electricity. आप थोड़ी देर में स्टार्ट करो, एक फोटो ले दो कम से कम। अच्छा रुको, पलटना है जल्दी। मुझको बता दे चाहूं मैं आला, अपने तो दिल का बता दे चाहूं मैं आला, इतना बता दू तुझको चाहत में अपनी मुझको यूं तो नहीं दिया, फिर भी ये सोचा दिले अब जो लगी हूँ मिलने तुझसे हुआ मुझे प्यार, आँखों आँखों में जता दे चाहूँ मैं आना। नहीं आ रहा है शाम तू मेरी रात के सपनों में तू,
तेरी आहटे मेरा नाम ले ये बात तू जान ले रुको हम डांस भी करते हैं 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी भी तस्वीर ना हो बेरुख सी है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी ही खुशबू ना हो मेरी चिकन मैंने किया ना हाँ हाँ वो भाई बजा अच्छा वो फ्लूट काफी अच्छा बजाता है फ्लूट मेरे साथ माँ चलो साथ में घुसो ना आप तू क्या भाई बीच में बैठे रहो सब काम बोटिंग में किसको एडवेंचर आ रहा होगा अरे वहां पे कुछ और हो रहा है अरे वो बस जंपिंग है
देख